ऑल राइट, डिटेल नंबर वन। तो इस सीन में पुष्पा वैसे ही बैठा हुआ था जैसे वो बचपन में इस सीन में बैठा हुआ था। डिटेल नंबर टू, और इस सीन में इनके पास रेनॉल्ड्स पेन होता है और ये पेन काफी पॉपुलर है इस मूवी में, जैसे इस सीन में इनके पास भी होता है और यहाँ पर हमारे ताऊजी के पास भी यही पेन होता है। इनका पेन अलग था क्योंकि ऑब्वियसली ही इज अ मिनिस्टर, यू नो। और हमारे गणित के मुताबिक ये पेन 1995 से 2000 ईयर के बीच काफी पॉपुलर थी। तो सच में पुष्पा का टाइम इतना पुराना है? वेल रुको, डोंट वरी, मैं बताऊंगा कि पुष्पा एग्जैक्ट कौन सी ईयर की मूवी है। डिटेल नंबर थ्री, तो यार जापानीज एनिमेटेड सीन में ये जो चीज है ये कैसे बचता है इसको भी डायरेक्टर ने हमें यहाँ पर दिखाया है। डिटेल नंबर फोर, इनके गाड़ी के नंबर प्लेट को अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ लिखा है एपी और नंबर प्लेट में एपी यानी कि आंध्र प्रदेश, यानी कि ये गाड़ी आंध्र प्रदेश में रजिस्टर हुआ। एक्चुअली अब मजे की बात सुनो, ये जो एनिमेटेड ट्रक था यहाँ भी एपी लिखा हुआ था, यानी कि ये ट्रक आंध्र प्रदेश में रजिस्टर हुआ है ऐसा हमें मूवी में दिखाया गया है। और इन नंबर प्लेट्स के नंबर को मैंने काफी बार गूगल पे सर्च किया लेकिन इसके रिगार्डिंग मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन बाद में मुझे एक नंबर प्लेट मिलता है व्हिच वाज शॉक्ड मी, वेल इसके बारे में बताऊंगा। डिटेल नंबर फाइव, तो इस सीन में जब पुलिस आ रही होती है तो आप देख सकते हो कि ये जो चीज है ये एक्चुअली थर्मोकॉल का है, लेकिन इस सीन में पुष्पा इसे ऐसे उठा रहा होता है जैसे कि वो सच में कोई भारी चीज उठा रहा है, इसलिए उसने अपने हाथ में ये कपड़ा बांध लिया था। और ये मैंने आपको इसीलिए दिखाया क्योंकि देखो डायरेक्टर कितना छोटा छोटा डिटेल ऐड करता है मूवी को रियलिस्टिक दिखाने के लिए, और अगर ये कपड़ा ना होता तो वैसे भी हमें कोई फर्क नजर नहीं आता। तो इस सीन में जब डीएसपी गोविंद पूछता है तेरा मालिक कौन है, तो पुष्पा कहता है और कौन, मैं ही है, और बाद में पुष्पा एक्चुअली में बॉस बनता है। तो ये एक अर्ली रेफरेंस था हमारे डायरेक्टर की तरफ से। डिटेल नंबर सेवन, तो ये एक्चुअली एक डिटेल नहीं मिस्टेक है। तो मिस्टेक ये है कि इस सीन में इस बुक में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर टोटल 6 ही स्टूडेंट है, लेकिन इस सीन में तो मुझे 6 से ज्यादा लग रहा है। एनीवेज लेट इट गो। डिटेल नंबर 8, तो इस सीन में कहा जाता है कि कोंडा रेड्डी एक लोकल गैंग से बदला लेने के चक्कर में 6 लोगों को मार गिराया था। वेल जब मैंने काउंट किया तो ये पहला एक और फिर ये दो, एक्चुअली पहले ये तीन आते हैं ठीक है, और फिर खत्म, और फिर ये चार, ये पांच, और एंड में ये 6। बेचारा कोंडा रेड्डी का राइट हैंड ही चला गया, सिर्फ लड़के समझ सकते हैं रियल दर्द। और इस चीज को मैंने आपको इसीलिए बताया क्योंकि ये नॉर्मल स्पीड में नोटिस करना लगभग इम्पॉसिबल है, सो प्लीज डू लाइक। घोड़ा उन्हें एक नंबर और पुलिस का बाप भी ढूंढ नहीं पाएगा। और इस सीन में श्रीवल यानी कि हमारी रश्मिका देवी चिरंजीवी सर की एक मूवी देखने आती है और बैकग्राउंड में आप देख सकते हो इस मूवी का नाम जो है चुदालानी बूंदी। और ये जो मूवी है ये चिरंजीवी सर का ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी है। इस मूवी का बजट आप देख सकते हो जो कि है 2 करोड़, लेकिन इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखो यार जो कि है 13 करोड़, मतलब काफी ब्लॉकबस्टर मूवी था यार। और अब मजे की बात सुनो, ये मूवी 1998 में रिलीज हुई थी और ये लड़की जैसे इस मूवी को देखने के लिए तड़प रही होती है देख के लगता है कि ये मूवी रिसेंटली ही लॉन्च हुआ होगा, यानी कि इस मूवी का टाइमलाइन 1998 या फिर इसके अराउंड है। भाई साहब इतना पुराना, इसीलिए तो हमने एक भी मॉडर्न मोबाइल यूज होते हुए नहीं देखा है इस मूवी में। और इस मूवी में ये लड़की चिरंजीवी सर का डाई हार्ड फैन होती है, तो रश्मिका का फेवरेट एक्ट्रेस में से आप देख सकते हो कि चिरंजीवी सर का नामो निशान नहीं है। तो इसको देखने के बाद हमारे चिरंजीवी सर का क्या रिएक्शन रहा होगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में इमोजी के थ्रू जरूर दिखाना। और यार इस मोटी लड़की को थोड़ी मोटी लड़की को काफी बार मूवी में कुछ ना कुछ खाते हुए जरूर दिखाया है, जैसे इस सीन में ये कुछ खा रही थी और इस सीन में, और इस सीन में तो ये आइसक्रीम चूस रही थी। डिटेल नंबर 10, और यार इस सीन में केशव इन लड़कियों को 1000 रुपए देता है। वेल मैं आपको बता दूं 1998 का 1 रुपए का आज का वैल्यू है 4 रुपए, तो हमारी गणित के हिसाब से केशव यहाँ पर 4000 रुपए दे रहा था अगर ये 2022 होता। डिटेल नंबर 11, तो यार इसके मुंह में जो ब्लेड होता है वो एक्चुअली सुपरमैक्स कंपनी का होता है। वेल रियलिटी में तो ये फेक है, ऑब्वियसली कौन होगा जो अपने मुंह में ब्लेड लेगा, है ना। एनीवेज पर इन्होंने इसको रियलिस्टिक दिखाने के लिए सुपरमैक्स के लोगो का स्टैम्प भी ऐड किया है जो कि काफी काफी सही बात है। और यार इसे पता कैसे चलता है कि कहीं पे इसके बाप का नाम यूज हो रहा है। डिटेल नंबर 12, तो इस सीन में पुष्पा अपने पेजर का नंबर बताता है चेन्नई के भाऊ को जो है 8384, और ये नंबर एंजल नंबर है। ये नंबर आपके ईगो को सप्रेसिंग करता है। दिस नंबर सेज दैट अगर आप अपने ईगो को कंट्रोल करके उसके ऊपर कॉन्करर जीत हासिल कर सकते हो तो आप दुनिया के सारे महान काम कर सकते हो, विच इज डायरेक्टली फोर शेडोइंग टू पुष्पा। पुष्पा ने अपने ईगो को इतना कंट्रोल कर लिया था कि उसने कभी भी किसी के सामने इसको झुकने नहीं दिया। भंवर सिंह शेखावत एक ऐसा आदमी था जिसके सामने सभी का ईगो डाउन हो जाता था, लेकिन पुष्पा ने फिर भी डाउन नहीं किया, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। और यार ये जो पेजर है और ये एक्चुअली लो रेडियो फ्रिक्वेंसी पे चलता है, वैसे रेडियो फ्रिक्वेंसी पे सभी चीजें चलती है जैसे आपके मोबाइल का नेटवर्क हो गया, ब्लूटूथ हो गया, टीवी हो गया। वेल सुनने में आया है कि हमें जल्दी रेडियो फ्रिक्वेंसी के जगह लेजर फ्रिक्वेंसी दिखाई देगा, और अगर ये हुआ तो 1 GB से भी ज्यादा डाटा आपका 1 सेकंड में डाउनलोड होगा।
पता नहीं साला कब होगा ये। डिटेल नंबर 13, ये जो गन का बैरल है ये यहाँ से फटा हुआ होता है, तो एक्चुअली फाइट के दौरान जब गोली इस खंभे पे फायर होती है तब इसका बैरल फट जाता है। आई नो काफी नॉर्मल सा डिटेल था। डिटेल नंबर 14, तो इस सीन में जब पुष्पा मुरुगन सर को माल बेचने जाता है चेन्नई में, तब यहाँ का जो ये नजारा है ये काफी हद तक मैच करता है एनिमेटेड सीन के इस सीन से, तो प्लीज यार डू लाइक। ऑल राइट, डिटेल नंबर 15, तो एंडिंग के इस सीन में पुष्पा व्हाइट कलर का शर्ट पहना हुआ था और शेखावत सर ब्लैक। व्हाइट शो कर रहा है पुष्पा के इरादे ब्राइट है और वो किसी को बिना कारण चोट नहीं पहुंचाता। बेसिकली ही इज अ गुड मैन यू नो, एंड ब्लैक शोज हिज डार्क साइड, आई मीन ही इज नॉट गुड, ही इज इविल। स्टार्टिंग में हमने देखा शेखावत सर विदाउट शूट एट साइट ऑर्डर के दो क्रिमिनल को मार देते हैं जो कि पुलिस के रूल्स के अगेंस्ट है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। और इस चीज को एक्चुअली मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था और उस कमेंट को मैंने बहुत ढूंढा पर मेरे को नहीं मिला। आई एम सॉरी इफ यू आर वॉचिंग दिस। डिटेल नंबर 16, इस सीन में इस बाइक के नंबर प्लेट में लिखा हुआ होता है AA। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया AA यानी कि अल्लू अर्जुन, और ये जो 666 नंबर है ये एक्चुअली अल्लू अर्जुन सर का फेवरेट नंबर है। पार्ट 1 में बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर कमेंट किया था। डिटेल नंबर 17, और यार इस सीन में भुजंगा के मौत के लिए DSP गोविंद रिजाइन कर दिया था, तो आखिर में ये भुजंगा चाचा है कौन? मूवी देखने वालों में से 90% लोगों को यही नहीं पता है कि भुजंगा आखिर है कौन। भुजंगा और कोई नहीं, ये है, ये 50 लाख के लिए गोविंद का इन्फॉर्मर बन गया था और इसे गोविंद गाइड करता था। अब हो सकता है कि गोविंद के द्वारा कुछ मिसगाइड हो गया था जिसके कारण जॉली रेड्डी को इसका पता चल जाता है और इसे मार देता है। और इसके मौत का कारण और कोई नहीं DSP गोविंद होता है। आप खुद ही सोचो गाइस, अगर आप किसी को गाइड कर रहे हो और आपके मिसगाइड से वो मर गया तो आपको कैसा लगेगा? तो इसीलिए भुजंगा के मौत के कारण DSP गोविंद ने रिजाइन कर दिया था। और यार शेखावत सर के हिंदी वॉइस आर्टिस्ट जो है वो हमारे आयरन मैन और जैक स्पैरो का ऑफिशियल वॉइस आर्टिस्ट है और उनका नाम है राजेश खट्टर जी। तो ये देखो उनका लाइव डबिंग एज ए शेखावत सर। सर, सर की कमी थी, कमी थी इज्जत की। मेरी शादी में आना नहीं सर, कृपा करके मारी शादी में पधारिए। और यार डॉक्टर स्ट्रेंज 2 का ट्रेलर हाल ही में लॉन्च हुआ है, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा सोच रहा हूँ पर मेरे एग्जाम के कारण मैं बना नहीं पा रहा हूँ यार, तो प्लीज मुझे माफ कर देना। और हाँ, मैंने नो वे होम का डिटेल वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हो। तो यार दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो, प्लीज लाइक कर देना और सब्सक्राइब तो जरूर से कर देना, सब्सक्राइब किए बिना कोई नहीं जाएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून्ड, टाटा मिर्जान। We'll be right back.